வெல்கம் டு சான் அகாடமி பள்ளி கரணி. கிளாஸ் 7 சப்ஜெக்ட் L3 ஹிந்தி ப்ரோஸ் 13th சாப்டர் கேல் பாவனா. खेल भावना यह एक अच्छी कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या कहते हैं, हर एक स्पोर्ट्स में भी उसका कई एडवांटेजेस होता है, उसके बारे में हम जानना चाहिए। इस कहानी में सुजानपुर के स्कूल आता है। स्कूल का बड़ा नाम था। इस स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने में तो आगे ही रहते थे, खेल कूद में भी उनकी धाक थी। इसका कारण था स्कूल के खेल अध्यापक अशोक सर का कड़ा परिश्रम। स्कूल के पास एक छात्रावास था, बच्चे वहां रहते थे। अब आगे देखेंगे। छात्रावास के किरण में छात्रावास में एक लड़का था, उसका नाम है किरण, जिसे सब प्यार करते थे। किशन हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, वह सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में खेलता था। अब उसी छात्रावास में नितिन नाम के एक लड़का रहता है। नितिन थोड़ा स्वार्थी और हेकड़ीबाज था। किशन की लोकप्रियता उसे देखी नहीं जाती थी। इसका एक कारण यह भी था कि नितिन खुद कोई खेल खेलता था। इसका कारण उसका शरीर दुबला पतला दिखता था। खेल के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और आत्मविश्वास ही किसी खिलाड़ी को महान बनाते हैं। इस कहानी में अशोक सर सारे लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं खेल के प्रति। वह न तो कभी दूसरों से कोई सहयोग लेता, न किसी काम के दूसरों के कोई सहयोग देता। अब अशोक सर नितिन को भी सलाह देते हैं। अब क्या हुआ, नितिन दिन भर सोचता रहा, फिर सिर्फ खेल देखने के इरादे से मैदान में पहुंच गया। अशोक सर ने पूरी टीम से उसका परिचय कराया, पर वह रूखेपन से सबसे हाथ मिलाता रहा। पहले दिन सर ने नितिन को गोलकीपर बनाकर खड़ा कर दिया। खड़ा खड़ा वह खेल देखने लगा तो धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, नितिन को बुखार आ गया। नितिन बुखार से बहुत बहुत तड़पता था, मगर सारे बच्चों वहां आके नितिन का सहयोग देते हैं। उसे दवाई देने से लेकर उसे टॉयलेट तक ले जाने में उन लोगों ने पूरी मदद की। शुरू में उसे संकोच हुआ, पर बाद में वह उसकी मदद लेने लगा। इन तीन दिनों में उसकी सभी खिलाड़ियों से पक्की दोस्ती हो गई थी। वह अकेला रहने के बजाय दूसरे के साथ ज्यादा रहता। किसी के प्रति अब उसके मन में नफरत न थी, बल्कि वह उन जैसा बनना चाहता था, अच्छा खिलाड़ी और लोकप्रिय छात्र। अब क्या हुआ, खेल में नितिन जीत गया। नितिन को जैसे जीवन की नई दिशा मिल गई थी। वह सोच रहा था कि खेल भावना को केवल खेल ही तक क्यों सीमित रख जाए। जिंदगी का हर दिन वह इसी भावना से बिताना चाहता था और इसी चाहता था नतीजा कि एक वर्ष बाद नितिन के पापा उसे लेने आए तो नितिन बिल्कुल बदल चुका था। अब वह पहले जैसा स्वार्थी, हेकड़ीबाज, अकड़ू और एकांकी नितिन ना था, बल्कि खूब बोलने वाला और अत्यंत लोकप्रिय नितिन उनके सामने था। खेल का यही तो अच्छा परिणाम होता है। इसका लेखक है राज नारायण बोहरे जी। इस कहानी के द्वारा मुझे यकीन आ गया कि आप भी स्वार्थी ना होकर सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।